हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ गुरुकुल की फेमस चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो आज से पहले ना कभी आपने पी होगी, ना कभी सुनी होगी और ना कभी देखी होगी और ना ही बनाई होगी। यकीन मानिए, अगर आपने गुरुकुल की फेमस चाय बना के पी ली ना, तो आप रोज की चाय पीना भूल ही जाएंगे। चलिए हम बनाते हैं गुरुकुल की फेमस चाय, जो आपके चेहरे को और स्किन में बहुत ग्लो लाती है और रूप को निखारती है। चलिए हम बनाते हैं गुरुकुल की फेमस चाय। गैस पर फ्राईदान को रख लिया है, इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। एक गिलास पानी हमने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे कुटी हुई अदरक। कुटी हुई अदरक डालेंगे, ये देखिए कुटी हुई अदरक डाल देंगे। और दो छोटी इलायची, इसको तोड़ के हम डाल देंगे। दो छोटी इलायची डाल देंगे, दो छोटी इलायची हम डाल देंगे, इलायची। और लौंग डाल देंगे, ये देखिए लौंग डाल देंगे, लौंग डाल देंगे। और इसको मिक्स कर देंगे, और इसको मिक्स कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे और उबाल आने तक। पानी हमारा उबलने लगा है और अदरक और इलायची और लौंग का फ्लेवर आ चुका है। इसी स्टेज पे हम डालेंगे चाय की पत्ती, एक चम्मच भरकर। ये हम चाय, इसको भी हम उबलने देंगे, इसको अच्छे से उबाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारी चाय उबलने लगी है। एक बार आप इसको ट्राई जरूर करिए घर पर, आप नॉर्मल चाय पीना भूल जाएंगे। आप एक बार अपने किचन में जरूर इसको बनाइएगा। देखिए अच्छे से हमारी चाय उबल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे सीक्रेट चीज़ें। अब डालेंगे इसमें जराकुस, जो हमको हमें सर्दी जुकाम से बचाता है, ये देखिए। और इसमें डालेंगे अमरूद की पत्ती, इसे डालने से हमारा पाचन शक्ति अच्छी रहती है। अमरूद की पत्तियाँ डालने से हमारी पाचन शक्ति अच्छी रहती है। अब इसमें डालेंगे तुलसी। तुलसी बहुत गुणकारी पौधा होता है, इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और जिंक पाया जाता है। विटामिन सी हमारे चेहरे में ग्लो लाता है, ये देखिए तुलसी की पत्ती इसमें डाल देंगे। हम डालेंगे सदाबहार की पत्तियाँ। सदाबहार की पत्तियाँ आपके चेहरे की चमक को बढ़ाती हैं, कील मुहासों को भी ठीक करती हैं, चेहरे पर निखार लाती हैं। ये हमारा सीक्रेट है। चाय हमारी अच्छे से उबल चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें एक ग्लास दूध, ये देखिए। आप हमेशा दूध कच्चा ही लीजिए, पका हुआ दूध मत लीजिए। कच्चा दूध आप चाय में डालेंगे, उसका स्वाद ही अलग होगा। ये देखिए इसको हम डाल देंगे। अब इसको अच्छे से उबाल लेंगे चाय को, इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसको अच्छे से उबाल आने तक पकाते हैं। देखिए चाय हमारी उबलने लगी है। अब इस स्टेज पे हम चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम मीठी जो पीता हो वो कम डाले, जो ज़्यादा पीता हो वो ज़्यादा डाले। आप अपने स्वाद के हिसाब, जैसा आप मीठा पीता हो उसी तरह से आप चीनी डालिए। इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इसकी रंगत, देखिए कितनी स्मूथ और टेस्टी चाय है। देखिए कितनी बढ़िया चाय बनके तैयार हुई। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे, हमने एक चम्मच सूखा दूध ले लिया था, उसको मिक्स कर लिया है दो चम्मच दूध में। अब इसको डाल देंगे, ये देखिए इससे हमारी चाय स्मूथ और टेस्टी बनेगी, बहुत ही अच्छी स्मूथ और टेस्टी बनेगी। इसमें भी उबाल आ जाने देते हैं। देखिए चाय की रंगत, कितनी स्मूथ और टेस्टी चाय बनी है। तो देर किस बात की दोस्तों, अपने किचन में जाइए और बनाइए गुरुकुल की फेमस चाय। आप एक बार पिएंगे तो आप नॉर्मल चाय पीना भूल जाएंगे। चलिए आप जाइए किचन में और किचन में गुरुकुल की फेमस चाय बनाइए। चाय हमारी बन चुकी है, इसको एक ग्लास में निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस मौसम में हम चाय पीने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी चाय की रेसिपी पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। देखिए आज बारिश का मौसम है, हम तो चाय पीने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग भी जाइए अपने किचन में और चाय बनाइए और पीजिए। अगर हमारी चाय की रेसिपी आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।